तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ डीजे रुपेश। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और आज है 9 अप्रैल का दिन। आज के दिन कोरबा में है हिंदू नववर्ष की रैली, जिसमें बाहर से बड़े बड़े डीजे सेटअप लेके आते हैं इस रैली में। इस पर रैली में जो जो बड़ा सेटअप आएगा वो है पावर जोन, स्वरमाला, देव ऑडियो, डीजे आरवीएस और भी बहुत सारे सेटअप। और अपना भी काम है रैली में, जो कि है स्पॉट डीजे का काम। तो चलो अपना सेटअप रेडी करते हैं। पहले देख सकते हो सामान लोड हो चुका है हम लोग का, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। 2000 years later. तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अपना सेटअप लगने वाला है। ये रहा, देख सकते हो घंटा घर के पास हमारा सेटअप लगेगा। 4 बेस 4 लाइनरे और 6 SRP रहेगा। रोड के साइड में ही है घंटा घर के पास, यहीं से सब सेटअप पार होगा। तो सारे सेटअप का भी वीडियो बनेगा, पहले अपने सेटअप को रेडी करते हैं। तो दोस्तों, सेटअप हो गया है रेडी अपना। अभी साउंड टेस्ट कर लेते हैं। देख सकते हो तो महादेव जी की मूर्ति है स्टेज में, वहीं सारपी लगा है और साउंड साइड साइड में। तो चलो साउंड टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, साउंड टेस्ट हो गया है और हम लोग अपना सभी भी सामान को यहाँ पर रखे, देख सकते हो ऑपरेट यहीं से करेंगे। मॉस्फेट भी यहीं पर रखा हुआ है और यहाँ पे लेजर शो भी होने वाला है मूर्ति पे, देख सकते हो। तो चलो यहाँ का शो का मजा लो, फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, यहाँ का काम हो चुका है खत्म। वीडियो नहीं बनाया हूँ ज्यादा, क्योंकि बिजी था थोड़ा, इसलिए अभी देख सकते हो सामने सामान को समेट रहे हैं हम लोग। यहाँ से सामान समेटने के बाद हम लोग अभी बाकी के डीजे सेटअप्स को देखने के लिए जाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। ओके ओके, थैंक यू। और यहाँ पर देख सकते हो देव ऑडियो का सेटअप, ये रहा सामने। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं दूसरे सेटअप्स को देखने के लिए। देख सकते हो रोड क्या ही मस्त सीन है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे छत्तीसगढ़ के हीरो अनुज शर्मा सभी को सेल्फी दे रहे हैं। हम लोग ने भी सोचा कि जाके ले लेते हैं सेल्फी, लेकिन इतना भीड़ देखने के बाद मन नहीं किया, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि आगे में और बहुत सारे सेटअप आना बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ दिख गया माँ शीतला डीजे का सेटअप, ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रा में सेटअप है, जो कि यहीं का है, कोरबा का ही, जो कि देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन साउंड का कोई अता पता नहीं है। तो अब अपने को बस मेन सेटअप देखना बाकी था, जो कि है आगे। तो चलो मिलते हैं सीधा वहाँ। तो अभी हम लोग हैं डीजे हितेश रायपुर के सेटअप के पास, जो कि स्पॉट डीजे में लगा हुआ है। और यहाँ जो माहौल है आप लोग खुद देखो, मजा आ जाएगा भाई, एकदम तगड़ा साउंड आ रहा है डीजे हितेश रायपुर के सेटअप में। फुल माहौल बना हुआ है, देख सकते हो, मैं खुद यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं,
तो चलो अब टाइम है स्वरमाला, पावर जोन और आरवीएस के सेटअप को देखने का। और यहाँ पर देख सकते हो आरवीएस का सेटअप। और ये रहा स्वरमाला का सेटअप, देख सकते हो क्या ही दिख रहा है। और साउंड क्वालिटी तगड़ा ही रहता है इनका। और अब बारी है लास्ट सेटअप की, जो कि आ चुका है, वो है पावर जोन। यहाँ देख सकते हो सामने सेटअप। और यहाँ पर देख सकते हो डीजे रिसा पावर जोन का ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं अपने सेटअप के पास जहां लगा हुआ था। सामान लोड हो चुका है, वापस घर जाएंगे अभी। और अगर आप लोग इस रैली में थे तो कमेंट में बताओ कौन सा सेटअप अच्छा लगा आपको। मेरे को तो सबसे अच्छा लगा डीजे हितेश रायपुर का सेटअप। साउंड मस्त था, एकदम माहौल बनाया हुआ था, मजा ही आ गया। मैंने खुद एंजॉय किया है, आप देख सकते हो वीडियो में। और स्वरमाला और पावर जोन का सेटअप तो रहता ही है तगड़ा। और देव ऑडियो का भी सेटअप अच्छा था। तो आप लोग बताओ कमेंट में आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।